हाय गाइस, दिस इज एनकरा फ्रॉम जीनियस्ट्री चैनल। स्वागत है आपका डोंट मग अप ट्राई टू बिल्ड अ पर्सनल एनालॉजिकल स्टडी। बात की जाए पहले क्वेश्चन, हाल में ही भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो माधुरी दीवान को किया गया है जी। तो माधुरी दीवान के बारे में आप जान सकते हैं कौन है जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है जो ये आपको थर्ड वूमेन बनी है सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो पहली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन थी जी? तो इंदिरा जयसिंह थी। बात की जाए सॉलिसिटर जनरल कौन है जी, तो तुषार मेहता है। अटॉर्नी जनरल कौन है जी, तो के वेणुगोपाल है। आप इस क्वेश्चन से इतना समझ सकते हैं, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं जी, सॉलिसिटर जनरल के नीचे होते हैं और एक कानूनी अधिकारी होते हैं जो गवर्नमेंट को पक्ष रखते हैं। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन के बारे में इतना कुछ सीखा जी। तो आप देख लीजिए फिर से, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन बनी है जी, तो माधुरी दीवान बनी है। सॉलिसिटर जनरल कौन है जी, तो तुषार मेहता है। तो इतना सब क्वेश्चन आप लोग इसे देख लीजिए और याद रखिएगा जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे सुशील बी डीमिल्स पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है, तो जेफ ब्रिजेस को मिला है। जेफ ब्रिजेस को मिला है जी गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 76 हुआ है 2018 में। ये सुशील डीमिल पुरस्कार बोला जाता है इसे, सुशील बी डीमिल पुरस्कार 2018 का मिला है किसको, तो जेफ ब्रिजेस को मिला है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड आपको 1944 में स्टार्ट किया गया था जी, 20 जनवरी 1944 में। किससे फिक्की का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है जी? तो फिक्की का नया उपाध्यक्ष उदय शंकर जी को बनाया गया है। फिक्की का नया उपाध्यक्ष उदय शंकर को बनाया गया है जी। आप देख सकते हैं फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है जी, तो फिक्की का ये अध्यक्ष कौन है जी, तो संदीप सोमने है जी। ये फिक्की के उपाध्यक्ष पूछा इसलिए उदय शंकर है जी। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है जी, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है जी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री होता है। इसके जो उदय शंकर बने हैं वो कौन है जी, तो स्टार इंडिया के चेयरमैन और सीईओ है। स्टार इंडिया के चेयरमैन और सीईओ हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी फिक्की का, तो न्यू दिल्ली में है। चलिए, भारत के किस देश के साथ संस्कृत कृषि सहित 4 समझौते किए गए हैं? भारत के साथ जी बात की जाए तो भारत के साथ मालदीव का हुआ है, जिसमें कृषि सहित 4 समझौते सूचना बीजा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य एरिया में किया गया है, जिससे बहुत से जल्दी से स्वास्थ्य प्रोसेस को क्या किया जा सके, सहूलियत पैदा की जा सके, इसके लिए बीजा इशू पे क्या किया जी ढील दी गई है मालदीव के साथ। तो मालदीव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जी। अगर बात की जाए तो मालदीव की कैपिटल कहाँ है जी, तो मालदीव की कैपिटल आपको माले है जी। मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिव है। करेंसी कौन है, तो मालदीनी रुपीज है। ये आपको अरेबियन सी जो इंडियन ओशियन में है वहाँ पे है। बात की जाए तो मालदीव को 1.4 बिलियन डॉलर का भी आपको ऋण दिया जा रहा है, जिससे क्या सकता है कि चाइना के जो कर्ज से दबा हुआ है मालदीव, उससे क्या सके उभर सके जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन सीखे जी। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उससे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। कौन सा देश 1 जनवरी 2019 को बड़ी इंटरनेट या प्रौद्योगिक कंपनियों पर अपना टैक्स पेश करने वाला है? तो कौन सा है कंपनी, देखिए फ्रांस है। फ्रांस क्या करने वाला है जी, GAF टैक्स लागू करने वाला। जी मतलब गूगल, ए मतलब एप्पल, एफ मतलब फेसबुक और ए मतलब अमेजन। तो यहाँ से देख सकते हैं GAFA यानी गूगल एप्पल फेसबुक और अमेजन पे क्या है जी टैक्स करने वाला है। ये भी इंटरनेट, ये बड़ी इंटरनेट या प्रौद्योगिक कंपनियाँ हैं जी, इन पे एक अपना टैक्स पेश करेगा। कौन है जी, तो फ्रांस की गवर्नमेंट है। तो यहाँ से देख सकते हैं जी इंटरनेट सर्विस थोड़ी सी महंगा होने के चांसेस है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है जी, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपको 18 दिसंबर को मनाया जाता है जी। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे, इसका थीम क्या है जी, माइग्रेशन विथ डिग्निटी। क्या जी, माइग्रेशन विथ डिग्निटी है ये। आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है प्रवासियों के सम्मान के लिए। आपको ये पता है कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है वर्ल्ड में,
और ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी कॉफ़ी टेबल पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री द्वारा जो कॉफ़ी टेबल पुस्तक है जी, इसका नाम क्या है? तो टाइम्सलेस लक्ष्मण है। ये आपको भी पता है कि आर के लक्ष्मण जो हमारे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट और चित्रकार हैं, उनके द्वारा लिखा जा रहा है जी। और ये आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आपको ये अपना रिपोर्ट देते थे, जिसमें कार्टून भी बनाते थे, कॉलम भी लिखते थे, तो टाइमलेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। रामायण सर्किट के तहत विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने कितने गंतव्य की पहचान की? तो देखिए, रामायण सर्किट के अंतर्गत स्वदेश दर्शन जो है उसमें 15 गंतव्य स्थानों की पहचान की है। हमारे टूरिस्ट मंत्री द्वारा रामायण सर्किट डेवलप किया गया, जिसमें स्वदेश दर्शन के थ्रू ये रामायण सर्किट इस्टेब्लिश किया गया है जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न में से कहाँ पर दो नए एम्स की स्थापना की? तो बात की जाए, दो नए एम्स तेलंगाना और तमिलनाडु में खोले जी। तो बात की जाए कि तमिलनाडु में मदुरई में है जी, और तेलंगाना में बीबी नगर। तो मदुरई जो है तमिलनाडु में, वहाँ पे खुलेगा, और बीबी नगर जो तेलंगाना में है वहाँ पे खुलेगा जी। नए एम्स खुलेंगे, AIIMS। यहाँ पे दो नए एम्स की मंजूरी दे दी गई है हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। किसे मुंबई इंडियंस के लिए क्रिकेट ऑपरेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जहीर खान को निदेशक नियुक्त किया गया है जी। तो मुझे भी पता है कि मैं जो स्पोर्ट्स में थोड़ा कम नॉलेज है जी, क्रिकेट में खास तौर से, तो इसलिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी कमेंट करें। एंजॉय योर लाइफ। आज का कल का ये क्वेश्चन था जी, इस क्वेश्चन को देख लें, इसका आंसर क्या होगा जी? बड़ोदरा होगा। और क्वेश्चन ऑफ डे की बात करें जो, कौन है जी? भूपेश बघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए जी? इसका आंसर बताना है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।